तो आज पेश हुए एनडीए सरकार के बजट में एनडीए के सहयोगी दलों पर दिखी मेहरबानी पर सियासत भी तेज हो गई। बिहार और आंध्र प्रदेश को मिले हजारों करोड़ के विशेष पैकेज पर विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरते हुए इसे कुर्सी बचाओ बजट करार दिया। विपक्ष ने सवाल पूछा कि ये देश का बजट है या फिर बिहार और आंध्र प्रदेश का। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट आज पेश हुआ। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, जिसमें बिहार और आंध्र प्रदेश के विकास के लिए मोदी सरकार ने खजाने के दरवाजे खोल दिए। गया, राजगीर, वैशाली एंड दरभंगा स्पर्स। एनडीए में शामिल जेडीयू और टीडीपी को खुश करने में कोई कमी नहीं छोड़ी गई। टू लेन ब्रिज ओवर रिवर गंगा एट बक्सर। बिहार में विकास से जुड़ी परियोजनाओं के लिए 59,000 करोड़ रूपए और आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई। बजट देश का था, लेकिन आंध्र प्रदेश और बिहार पर हुई मोदी सरकार की इस मेहरबानी ने विपक्ष को हमले का मौका दे दिया। विपक्ष ने सीधे सीधे इसे कुर्सी बचाओ बजट करार दिया है। अरे ये तो कुर्सी बचाओ बजट है, उनको कुर्सी बचाने के लिए जो जो पार्टी को लेके कुर्सी बचाते हैं उनके लिए बजट है। नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश का उनको उनको सेव करने के लिए, उनको पास में रखने के लिए इसका बजट है। ये इंडिया का बजट नहीं है, देश के लिए बजट नहीं है। उन्होंने बंगाल का तो कुछ ही नहीं दिया है। वही कांग्रेस ने आरोप लगाया कि ये नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से डरा हुआ बजट है। नायडू साहब से और नीतीश साहब से डरा हुआ बजट है, ना देश के लिए ना नौजवान के लिए। चिकित्सा खाली कर दिया, कोई मतलब ऐसा बजट है जिसके अंदर पूरा डर परिलक्षित हो रहा है। कांग्रेस ने इसे दो दोस्तों को खुश करने वाला बजट भी बताया। बहुत निराशजनक बजट है। दूसरा, ये अपना सिंहासन बचाने के लिए ये बजट किया गया है। वहीं राहुल गांधी ने भी इसे कुर्सी बचाओ बजट करार देते हुए दावा किया कि ये कांग्रेस के घोषणा पत्र का कॉपी पेस्ट है। बजट पर केंद्र को घेरने में उद्धव गुट की शिवसेना भी पीछे नहीं रही। शिवसेना ने इसे कुर्सी बचाओ और प्रधानमंत्री सरकार बचाओ योजना कहा। बजट तो पहले एक राज्य के लिए बनाया जाता था, गुजरात, अब और दो राज्य उसमें जुड़ गए हैं। और सरकार बचाने के लिए प्रधानमंत्री को ये करना जरूरी है। कुर्सी बचाने के लिए बजट बनता है, देश के लिए नहीं बनता है, हमने पहली बार देखा है। आई थिंक दिस बजट शुड बी कॉल्ड प्रधानमंत्री सरकार बचाओ योजना। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इसे सरकार बचाने वाला बजट करार दिया। ये बजट नाउम्मीदी का है और इतनी महंगाई बेरोजगारी में लोग कैसे जीता है। क्या आपको लगता है सरकार के बिहार के लिए आंध्र प्रदेश के लिए बड़े सारे पैकेज ऐलान किए गए? नहीं, पैकेज और वहाँ पर विकास पहुँची कोई खराब बात नहीं है, लेकिन केवल सरकार बचाने के लिए। तो अगर कोई और सरकार बनाना चाहेगा तो इससे बड़ा पैकेज, इससे बड़ा फंड देना पड़ेगा।